हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सी जी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है वो शिक्षक भर्ती के बारे में है। इस वीडियो में उसका पूरा डिटेल देखने वाले हैं। एक जो है वीडियो क्लिप सामने आई है, वीडियो क्लिप के माध्यम से जो मंत्री जी से बात की गई, शिक्षा मंत्री जी से, और उन्होंने क्या कुछ कहा नए भर्ती के बारे में। ठीक है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में उन्होंने कहा, और साथ ही जो पुरानी भर्ती हुई है 2023 में, जिसका अभी मामला कोर्ट में चल रहा है कि जो वर्ग 3 में जो भर्तियां हुई हैं बीएड वालों को जो पोस्टिंग दी गई है उनका क्या होगा। ठीक है, सरकार उनके तरफ से कोई स्टैंड लेगी या नहीं लेगी, इसके बारे में उन्होंने इस वीडियो में जो है बताया है, बात की है। इस वीडियो क्लिप को आप देखिए, उसके बाद हम जो है अंत में बात करते हैं। पर अब जो नए आदेश होंगे उसके अनुसार ही हम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट करेंगे। सर, एक बात बोलना चाहते हैं, हम लोग 23 में भर्ती में ट्रेनिंग ले चुके हैं, हम लोग को 6 महीने हो गए, अभी हमारा केस सुप्रीम हाईकोर्ट में वो है पेंडिंग है, ऑर्डर को रिजर्व कर रहे हैं। तो हम लोग का सर ये मांग है कि अगर उनका कुछ नेगेटिव फैसला आता है बीएड पे, तो राज्य सरकार ये चाहे कि वो कर सकती है कि हम लोग को कुछ और मौका देते ताकि हम लोग कुछ डीएड कर सके। जो सर जो लोग जॉब में हो गया ना, समझ गया। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तुम लोग नहीं हो। मैं भी एम ए एम कॉम एन एम बी किया हूँ। जॉब में जो लग गया उनको निकालना। मौका नहीं मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार होगा। बस बात करो, हाँ ये मौका है कि आप लोग आगे करके उसको कर लो, वो ज्यादा बढ़िया। और अभी जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में आप जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर राज्य सरकार चाहे तो नियम ला सकती है। सर, राज्य सरकार चाहे तो दिया सकती है। जान देने अगर मौके नहीं मिला तो कैसे होगा सर? प्राइमरी वाले को वर्ग 2 में प्रमोशन कर देगा तो हम बीएड वाले सिर्फ प्रमोशन के पद 50-50 50 आप भर्ती हो गए, 50 वो हो, और लेक्चर बाकी में तो 10% है, लेक्चर में 10% है। आप लड़ो में जाके सुप्रीम कोर्ट में, लड़ो वहाँ जाके। हम सुप्रीम कोर्ट में हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हाईकोर्ट में हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जब एक बार मौका दिया तो हम दे रहे हैं उसको। हाँ तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, बताइए ये था और हम लोगों ने जिन लोगों ने डील कर दिया है उनको मौका दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में विपक्ष रखिए, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में। हाँ तो वहाँ से डिसीजन जो आएगा हम समझदार हो इसके बाद भी जैसे बोला गया जो नियुक्ति है हमें भी नियुक्ति किया जाए, उसको हमें भी समझ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो क्लिप में देखा कि उन्होंने जो नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 33,000 पदों की, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि लगभग आचार संहिता के बाद आचार संहिता भी लगेगी, इसके बाद
ठीक है, आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बड़ी खबर यही है कि अब जो है आचार संहिता से पहले थोड़ी अब मुश्किल लग रही है नई वैकेंसी आनी, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है कि सरकार इसको पहले भी ला सकती है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि टेट की परीक्षा का भी जो जुलाई में होना था वो अब जून में होगी टेट की परीक्षा, तो हो सकता है कि शिक्षक भर्ती जो है जल्दी आने की, शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसके अलावा जो नई जो पुरानी भर्ती है 2023 की, ठीक है, उसमें सरकार ने ये कहा कि जिसकी भर्ती हो चुकी है उसको न निकाला जाए, ऐसी व्यवस्था हो सकता है सरकार करेगी और कुछ स्टैंड लेगी उनके लिए और कुछ प्रावधान उनके लिए ऐसा कुछ करेगी कि जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, जो बीएड वाले शामिल हो चुके हैं शिक्षक भर्ती में, ठीक है, उनको न निकाला जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के अभ्यर्थी उनके पास पहुँचे थे और उन्होंने ये सभी बातें कही हैं और इस वीडियो क्लिप में सारी बातों को आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपकी कोई कमेंट, कोई राय होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहेगा चैनल के साथ। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।